मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका, एक आतंकी साजिश है। क्या इस वारदात के पीछे खालिस्तानी साजिश से जुड़े आतंकी हैं? सुरक्षा एजेंसियां इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हैं। और पाकिस्तान, आपको बताएं कि पाकिस्तान में जा छुपे एक ऐसे आतंकी की कुंडली भी लगातार खंगाली जा रही है, और जिसे आपको बताएं कि इस धमाके का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, उसका नाम है हरविंदर सिंह रिंदा। तो आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं ये रिंदा कौन है और किस तरह पिछले कई साल से ये भारत विरोधी साजिशों को रचने के काम में लगा है। लेकिन इसके पहले ये भी आपको बता दें कि मोहाली धमाके में आज का जो अपडेट है, रूसी रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुआ है। ये कनेक्शन कहां तक जा रहा है, इसकी साजिश इसके तह तक जाने में एजेंसियां लगी हुई हैं, पूरे प्लान को खंगाला जा रहा है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और ये गिरोह कहां से इसका तार जुड़ा हुआ है और इसके मंसूबे क्या थे। नाम हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, काम भारत विरोधी साजिश रचना, पहचान आईएसआई का आतंकी, उम्र करीब 36 साल, मौजूदा पता इस्लामाबाद पाकिस्तान, कद 5 फीट 6 इंच। ये वो शख्स है जिसकी तलाश हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां कर रही हैं। ये वो चेहरा है जो आईएसआई की गोद में बैठकर पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। हरविंदर सिंह जब हिंदुस्तान में था तो ए प्लस कैटेगरी का गैंगस्टर था, लेकिन अब भारत से फरार होकर पाकिस्तान की पनाह में जाने के बाद वो आतंकी बन गया और आईएसआई की मदद से भारत में नार्को टेरर और खालिस्तान मूवमेंट को अंजाम तक पहुंचाने में लगा है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब हरविंदर सिंह ने शिवसेना हिंद के नेताओं को भी जान से मारने की धमकियां दी थी। और इंदे अपना काम कर, सरेंडर कर दे मेरा भरा, बढ़िया रहेगा, कुत्ते दी मौत नहीं मरेगा। मैं तुम्हें कहना कि अगला नंबर तेरा ही, पाकिस्तान बैठा ही मैं। और जिथे मर्जी बैठा तू, भावे पाकिस्तान बैठा तो भावे अमरीका बैठा, मैं निशांत बोलना, अगला नंबर तेरा है, पंजाब पुलिस ने तेरा नंबर लाना, अपना सरेंडर कर दे, बढ़िया रहेगा, बंदे जिंदगी जी लेगा। इस सिलसिले में शिवसेना हिंदू के नेता निशांत शर्मा ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उन्हें इंटरनेशनल नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले बेअंत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी जगतार सिंह हवारा को चंडीगढ़ में थप्पड़ मार दिया था। मैं गैंगस्टर आतंकवादियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो तुम लोग गुरबंद सिंह पन्नू जो कि एक आईएसआई का एजेंट है उसके कहने पर ये गलत हरकतें कर रहे हो, मैं बाज आ जाओ, तुम उस पंजाब पुलिस के साथ पंगा ले रहे हो जिस पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के काले दौर के दौरान तुम्हारे आकाओं का बुरा हाल कर दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका एक आतंकी साजिश है? क्या इस वारदात के पीछे का मकसद सुरक्षा एजेंसियों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने का है? क्या इस वारदात के पीछे खालिस्तानी साजिश से जुड़े आतंकी हैं? जाहिर है इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। इस घटना में मास्टरमाइंड के तौर पर एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो हाल के दिनों में भारत में आतंकी गतिविधियों को काफी तेजी से बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। उसके खिलाफ पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश और लूटपाट व डकैती समेत आर्म्स एक्ट के करीब 10 मामले दर्ज हैं। रिंदा के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के कई मामले भी दर्ज हैं। वो पाकिस्तान से नार्को टेररिज्म को अंजाम देने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक 11 साल की उम्र में ही हरविंदर सिंह रिंदा परिवार के साथ महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब चला गया था। रिंदा ने 18 साल की उम्र में पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के चलते तरनतारन में एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी। उसके बाद वो नांदेड़ में जबरन वसूली करने लगा। उसी दौरान उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। इसके खिलाफ साल 2016 में 2 मामले दर्ज थे और दोनों में उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। अप्रैल 2018 में हरविंदर सिंह रिंदा तब सुर्खियों में आया जब उसने मोहाली में मशहूर पंजाबी सिंगर परमीश वर्मा पर जानलेवा हमला किया था।
रिंदा साल 2008 में पहली बार जेल गया, लेकिन कुछ साल बाद बेल पर बाहर आया और उसके बाद 2017 में रिंदा को सरपंच सतनाम सिंह की हत्या के मामले में अपने दो साथियों के साथ गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन पेरोल पर बाहर आया और उसके बाद वो फिर पंजाब पुलिस के शिकंजे में कभी नहीं आया। 2020 में पंजाब से पाकिस्तान भागने के बाद रिंदा ने आईएसआई और खालिस्तानी संगठनों का एक नेक्सस तैयार किया। इस नेक्सस के तहत देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश रची जाने लगी। मोडस ऑपरेंडे के तहत रिंदा अपने दुश्मनों को कई ऐसे वीडियो भेजता था जिसमें एके 47 और बंदूकों के साथ धमकाया जाता था। पाकिस्तान के नंबरों से कॉल करके अपने टारगेट्स को धमकी दी जाती थी। इतना ही नहीं, वो अपराधी इतना खतरनाक है कि धमकाने के बाद टारगेट किलिंग को भी अंजाम देता था। खुफिया विभाग के कागजातों में दर्ज जानकारी के मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा जून 2020 में फिरोजपुर के रास्ते पाकिस्तान भाग गया था। उस वक्त इसकी मदद बब्बर खालसा के चीफ वधावा सिंह ने की। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो रिंदा आपराधिक वारदातों के साथ साथ पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते ड्रग्स की तस्करी का भी काम करता था। सूत्रों के मुताबिक हिटलिस्ट में आने के बाद रिंदा पाकिस्तान में भी आईएसआई के कहने पर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पहले वो लाहौर में मौजूद था, लेकिन हाल ही में उसने इस्लामाबाद को अपना नया ठिकाना बना लिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में लगा हुआ है। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।